हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। ठीक है जी, हमने ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है, किसकी हेल्प से करना है, डिटरमिनेंट की हेल्प से करना है। तो हमें एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी और उसके तीन वर्टिसेस गिवन है x1 y1 x2 y2 और x3 y3। वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों ही वर्टिसेस को ऐसे लिख देंगे और लास्ट कॉलम में क्या लिख देंगे 1 1 1, और इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल लेके चलते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are, vertices क्या क्या है मेरे पास, 2.7 1.1 and 10.8। ठीक है, तो area of triangle क्या होगा, half formula लगाएंगे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ठीक है, कभी भी आप सम सॉल्व कर रहे हो तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दो। अब मेरे पास हाफ x1 की वैल्यू कितनी है 2, y1 की वैल्यू कितनी है 7 और 1, फिर मेरे पास कितना आया 1 1 1, थर्ड 10 8 और 1। ठीक है, वी वांट टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब मेरे फॉर्मूला आ गया हाफ 2 7 1 1 1 1 10 8 1। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, ये कौन सा ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। सबसे पहले क्या करो, फर्स्ट रो के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव लिख दो। ठीक है, अब यहां पर हाफ ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, एक सिंपल सी ब्रैकेट डाल देते हैं इसे। तो सबसे पहले 2 मेरे पास आ रहा है, प्लस का 2। ठीक है, अब 2 के साथ क्या करते हैं हम, इसके साथ जो मेरे पास रो है, ये वाली रो की कॉलम हम से ढकेलेंगे, तो मेरे पास कितना बच गया 1 1 8 1। तो ये डिटरमिनेंट बन गया मेरे पास 1 1 8 1। फिर सेकंड नंबर पर माइनस का 7, फिर मेरे पास क्या आया, एक इसके साथ कॉलम चलेगी, ये इसके साथ रो चले गया, क्या बचा मेरे पास 1 1 10 1। ठीक है, लास्ट में मेरे पास क्या बच रहा है, प्लस का 1 प्लस 1, तो इसके साथ भी क्या करेंगे, रो और कॉलम बढ़ा देंगे, तो बचेगा कितना मेरे पास, देखिए ये बचा है 1 1 10 8। ठीक है, अब जो अंदर मेरे पास आ रहा है वो 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ रहा है, तो कैसे करेंगे, हाफ 2 कितना आएगा 1 1 1 माइनस 8 7 1 माइनस 10, ये प्लस 8 माइनस 10। देखिए यहां तक, तो ये हो गया हाफ 1 माइनस 8 इज 7, 2 इंटू माइनस 7 माइनस 7 इंटू माइनस का 9 और +1 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू में कितना है, ये हो गया, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, कितना आया मेरे पास हाफ ऑफ माइनस का 14, ये प्लस का 63, तो ये माइनस का 2। ठीक है, तो ये हो गया -14 -2 -16 63 में माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 47/2। अब निकाल के आए एरिया ऑफ ट्राइंग, एरिया निकाल रहे हैं तो एरिया हमेशा क्या होता है, स्क्वायर यूनिट। ठीक है, जो भी यूनिट होंगे वो स्क्वायर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए, पहला पॉइंट है
since area is a positive quantity we always take absolute value of a determinant. ठीक है जी, area हमेशा क्या होती है, positive quantity होती है. इसका मतलब जब भी area of triangle हम लिखेंगे हमेशा उसकी हम क्या लेंगे, absolute value, absolute मतलब numerical value लेंगे. ठीक है, मान लो area आपके पास आ जाता है किसी triangle का, area आ जाता है -7. ठीक है, तो आप area को क्या लिखोगे, 7 square unit. ठीक है, तो अगर आपका आंसर कहीं नेगेटिव भी आ जाता है पर आप उसको इन मैग्नीट्यूड 7 स्क्वायर यूनिट में आंसर दे दोगे, मतलब पॉजिटिव आंसर दे दोगे. ठीक है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, नेगेटिव आ जाए तो उसको हम पॉजिटिव कर देंगे. ठीक है, पहला पॉइंट है. दूसरा, एरिया इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज गिवन, मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है. ठीक है, और किसी वर्टेक्स में कोई मतलब इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है और यहाँ से कुछ मिसिंग है, मतलब x1 y1 x2 y2 x3 y3 से एक नंबर मिसिंग है और एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें दिया हुआ है, तो यूज बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट फॉर कैलकुलेशन. तो वो पॉइंट निकालने के लिए आप एरिया ऑफ ट्राइंगल को पॉजिटिव भी ले सकते हो और नेगेटिव भी ले सकते हो, क्योंकि एक कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जिस पर एरिया 7 यूनिट आ रहा हो और कोई ऐसा पॉइंट भी हो सकता है जिस पर आंसर कितना हो रहा हो, -7. तो दोनों आंसर -7 और 7 पर आंसर एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 7 होगा. तो इसका मतलब जब भी हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन होगा, दिया होगा, हम क्या करेंगे, बोथ यूज करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू भी यूज करेंगे, जो भी हमें वैल्यू दिया होगा उसे पॉजिटिव में भी लिखेंगे और नेगेटिव में भी लिखेंगे. ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्मड बाय कोलिनियर पॉइंट इज 0. मतलब ये थोड़ा सा अब ध्यान दो, कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, जो एक ही लाइन के ऊपर अगर 3 पॉइंट ऐसे बन जाए, ठीक है, ए बी सी अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो इसका ट्राइंगल बनेगा ही. 3 कोलिनियर पॉइंट्स को जोड़कर हम एक लाइन बना सकते हैं, ट्राइंगल ही बनेगा. अगर ट्राइंगल बनेगा ही नहीं तो उसका एरिया क्या होगा, 0. तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय 3 कोलिनियर पॉइंट्स इज 0. और ऐसा कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, अगर किसी क्वेश्चन के अंदर आ जाए प्रूव दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट को मैंने क्या प्रूव करना है, कोलिनियर प्रूव करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी जो 3 पॉइंट्स दिए हैं इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल देंगे. अगर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ जाता है, इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 0 देन वो 3 पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाएंगे. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं. एग्जांपल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट विद वर्टेक्स इज x, 4 2, -6 and 5, 4. एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने पहले से दिया हुआ है और एक वर्टेक्स के अंदर हमें एक अननोन क्वांटिटी दी हुई है x, हमने x निकालना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेट डेल्टा डिनोट एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टेक्स x, 4, 2, -6 or 5, 4. तो डेल्टा हमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है. तो डेल्टा की वैल्यू हमें दी हुई है, डेल्टा इज पॉजिटिव नेगेटिव 35. ठीक है, आपको मैंने मतलब हमने डेल्टा मान लिया एरिया ऑफ ट्राइंगल जिनका वर्टेसिस गिवन है और डेल्टा को मैंने लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव 35. हमें तो दिया 35 पर मैंने लिख दिया पॉजिटिव नेगेटिव 35. तो जो हमें पॉइंट लिखे थे सेकंड पॉइंट में लिखा था कि अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले से दिया हो, ठीक है, और कोई एक अननोन वैल्यू निकालनी हो तो कैलकुलेशन के लिए हम क्या लेंगे, पॉजिटिव 35 या नेगेटिव 35. मतलब एक्स की ऐसी वैल्यू निकल सकती है जिससे आंसर 35 बनता हो और x की ऐसी वैल्यू भी निकल सकती है जिसका आंसर क्या बनता हो, -35. दोनों केसेस के अंदर एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 35 रहेगा. ठीक है, तो डेल्टा तो मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल तो क्या बनेगा, हाफ x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव 35. तो ये 2 डिवाइड हो जाता है, जब क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो x1 की वैल्यू कितनी है, x है जी, y1 की वैल्यू कितनी है, तो ये x1 y1 मतलब 4
फिर यहाँ पर तो 1 है, फिर 2 माइनस 6 यहाँ पर 1 है, फिर 5 4 ये मेरे पास कितना गया 1 इज इक्वल टू, तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव फिर भी दिख रहा है, कितना आएगा पॉजिटिव नेगेटिव 70, क्योंकि ये 2 जो है नीचे का 2 इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंड करते वक्त यहाँ प्लस एक्स, अब इसके साथ रो और कॉलम चलेगी तो कितना बचा मेरे पास माइनस सिक्स वन फोर वन माइनस का 4, तो ये माइनस 4 कैसे रखते हैं तो 4 2 1 5 1 तो 2 1 5 1 प्लस का 1, तो इसके साथ भी क्या हो रही है रो और कॉलम चले जा रहा है तो कितना गया 2 माइनस 6 5 4 तो 2 माइनस 6 5 4 इस साइड कितना आ गया पॉजिटिव नेगेटिव 70। ठीक है, क्योंकि इसके अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ आ गया ये चीज मेरे पास है x माइनस सिक्स वन फोर वन माइनस फोर टू वन फाइव वन वन टू माइनस सिक्स फाइव फोर पॉजिटिव 70, तो इसको सॉल्व करने लगे तो ये x वैसे बाहर रहेगा, ठीक है 1 माइनस सिक्स तो माइनस का 6, ये 1 इंटू 4 बीच में माइनस आएगा माइनस का 4, ठीक है मतलब ये दोनों आपस के साथ ये बीच में माइनस के साथ हो जाएगा। अब ये इसको सॉल्व करेंगे ये 2 और 1 मल्टीप्लाई होकर कितना आएगा 12 माइनस 4 है 2, बीच में नेगेटिव आया है तो माइनस का 5, फिर प्लस 1 2 4 का 8 माइनस आना ही आना है, देखो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो बीच में नेगेटिव आना है तो माइनस का 30 इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 70। ठीक है, तो ये हो गया माइनस 6 माइनस 4 माइनस 10x, ये हो गया माइनस 2 माइनस 3 प्लस 12, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस 38 प्लस के इधर कितना पॉजिटिव नेगेटिव 70, तो माइनस 10x प्लस 50 इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 70, दो वैल्यूज आ जाएंगे, एक तो आ गई मेरे पास माइनस 10x प्लस 50 इज इक्वल टू 70, एक माइनस 10x माइनस प्लस 50 इज इक्वल टू माइनस का 70, इसको अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 10x 70 माइनस 50 कितना होगा 20, तो ये x कितना आ जाएगा 20 बाय माइनस 10 देखिए माइनस का 2, और दूसरी जगह ये माइनस का 10x माइनस 70 माइनस 50 माइनस का 10x माइनस 120, ये 0 0 कट गया माइनस में कट गया तो x कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, नोट कर लिया, चलिए नेक्स्ट सम पे चलते हैं। नेक्स्ट सम है शो दैट द पॉइंट्स ए ए बी प्लस सी बी स्मॉल बी सी प्लस ए सी सी ए प्लस बी आर कोलिनियर, तो ये ए बी सी पॉइंट्स को मैंने क्या प्रूव करना है कोलिनियर प्रूव करना है। ठीक है, अगर तीन पॉइंट कोलिनियर है मतलब ए बी सी कोलिनियर है, इसका मतलब क्या होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा जीरो होगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज जीरो, तो क्या करेंगे निकाल शो करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा हाफ एक्स वन वाई वन वन एक्स टू वाई टू वन एक्स थ्री वाई थ्री, पहले आप फॉर्मूला लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लिख दो, अब तीन पॉइंट को क्लियर करना है तो उसके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने, अगर उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो आ जाएगा तो ये पॉइंट्स क्या हो जाएंगे क्लियर हो जाएंगे। चलिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला पर ये वैल्यू पुट करता हूँ, आप अगले स्टेप के अंदर कर लेना, यहाँ होगा x की वैल्यू कितनी है a, फिर आई वैल्यू b प्लस सी, फिर आई 1, यहाँ b c प्लस a 1 c a प्लस b फिर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, अब हमने जैसे कि एक्सरसाइज अभी 4.2 अभी नहीं की है, ठीक है, तो इसमें प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट नहीं लगता, हम सीधा इसको एक्सपैंड करेंगे। ठीक है, तो एक्सपैंड करना कैसे एरिया डिटरमिनेंट कैसे एक्सपैंड करते हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से कर दो तो प्लस का ए, तो ए आ गया मेरे पास, इसके साथ कैसे जाएगा कॉलम और रो पढ़ा दो तो बचेगा मेरे पास कितना
सी प्लस ए ए प्लस बी वन और वन, ठीक है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप इसको रखो ढके तो माइनस बी प्लस सी रो पर बढ़ा दो तो कितना हो जाए बी सी वन वन, फिर प्लस का वन रो कॉलम बढ़ा दी तो कितना बचेगा बी सी सी प्लस ए ए प्लस बी, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हाफ ए, अब ये मटेरियल होंगे वन इंच मटेरियल होते कितना आ जाएगा सी प्लस ए, बीच में माइनस आना ही आना है तो इसके साथ क्या आ जाएगा ब्रैसे ब्रैकेट में रखें तो ए प्लस बी आएगा। देखो ये चीज समझने वाली है, यहाँ पर बाहर माइनस पढ़ना है यहाँ पर दो टर्म है तो दोनों पर क्या डाल देंगे ब्रैकेट डाल देंगे क्योंकि ये नेगेटिव दोनों के ही साथ है, ठीक है। तो अगर आप सीधा लिखना चाहो तो यहाँ पर अगर माइनस है तो दोनों ए प्लस बी है तो दोनों के ऊपर नेगेटिव आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का ए माइनस का बी, वैसे तो आप ब्रैकेट डाल सकते हो। फिर माइनस बी प्लस सी, यहाँ पर ये वन इसके साथ बी और ये बीच में नेगेटिव आ जाएगा वन इंटू सी सी, ठीक है प्लस वन। अब ये जो ए प्लस बी और बी के साथ मतलब आ रहा है मतलब ब्रैकेट के साथ बी ए प्लस बी, ठीक है बीच में माइनस विद सी सी प्लस ए, यहाँ छोड़ ठीक है ये आपस में मटेरियल होंगे और ये आपस में मटेरियल बीच में क्या आएगा नेगेटिव का साइन होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट चलते हैं आगे हाफ। अब ये जो ए है तो ये ए सी और बी से मटेरियल होगा तो कितना आएगा ए सी माइनस ए बी, ठीक है फर्स्ट टर्म यहां तक। फिर ये माइनस का है b प्लस सी बी माइनस सी कितना हो गया ब्रैकेट के अंदर बी स्केयर माइनस सी स्केयर, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या हो गया बी स्केयर माइनस सी स्केयर। फिर ये b अंदर मटले होगी तो यानी कितना आएगा प्लस वन तो है ही, ये हो गया ए बी प्लस बी स्केयर, बी को बी से मटले बी स्केयर, ये माइनस का है तो माइनस सी स्केयर माइनस का ए सी, ठीक है। अब ऊपर लिखते हैं इसको साफ साफ हाफ ए सी तो है ही माइनस ए बी, ठीक है ये माइनस जब अंदर ले जाए तो कितना आएगा माइनस बी स्केयर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी स्केयर, ये प्लस ए बी एज इट इज, ठीक है प्लस बी स्केयर माइनस सी स्केयर माइनस का ए सी, ठीक है। अब हम देखेंगे ये जो ए सी प्लस का है ये ए सी माइनस का है तो ये एक आपस में कट जा रहे हैं, ठीक है ये माइनस का ए बी है प्लस का ए बी ये भी आपस में कट जाएंगे माइनस बी स्केयर प्लस बी स्केयर भी कट जाएंगे प्लस सी स्केयर माइनस सी स्केयर ये भी आपस में कट जाएगा तो ये आंसर क्या बचेगा मेरे पास हाफ ऑफ जीरो, जीरो को करेंगे तो जीरो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज जीरो इंप्लाइज ए बी सी मतलब ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर, क्योंकि अगर इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो आया है तो इसका मतलब ये तीन पॉइंट क्या होंगे कोलिनियर, और अगर कोलिनियर दिया हो और एक पॉइंट मिसिंग हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम क्या लेंगे जीरो लेके उसको पॉइंट को फाइंड कर लेंगे, ठीक है चलिए नोट कर लें। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइन द पॉइंट 1, 2 एंड 3, 6 यूजिंग डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट की हेल्प से मैंने इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, ठीक है। मान लो मेरे पास दो पॉइंट है ए पॉइंट मेरे पास है 1, 2 बी पॉइंट मेरे पास है 3, 6, ठीक है इस लाइन की मैंने क्या निकालनी है इक्वेशन निकालनी है, मैं इसके ऊपर एक पॉइंट पी ले लेता हूँ तो पी पॉइंट मेरे पास होगा एक्स कॉमा वाई, तो पॉइंट पी जो एक्स वाई है वो वेरिएबल पॉइंट है, ये पॉइंट ए बी के ऊपर जितने भी पॉइंट है उनको क्या कर रही है रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। अब मेरे को ये पता है कि ए पी और बी क्या होंगे कोलिनियर पॉइंट्स हैं, अगर ये पॉइंट कोलिनियर है तो उनका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल की हेल्प से हम यहाँ पर
इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे? तो लेट पी एक्स कोमा वाई पॉइंट लाइज ऑन लाइन ए बी, ए पॉइंट कितना है, ए बी, ठीक है, वेयर ए इज 1.2 एंड बी इज 3.6। तो मैंने मान लिया कि पी पॉइंट एक्स वाई जो लाई कर रहा है ए बी के ऊपर, ए पॉइंट मेरे पास 1.2 है, बी पॉइंट मेरे पास 3.6 है, दैट इंप्लाइज ए पी पी आर कोलिनियर पॉइंट्स। इससे हमें क्या मिल रहा है कि ये कौन से पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अगर तीन पॉइंट एक लाइन के ऊपर हो तो कौन से पॉइंट होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। आप इसको ए पी बी भी लिख सकते हो, मैंने इसको पी ए बी इसलिए लिख दिया कि मेरा एक्स वाई वाला पॉइंट ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा हाफ ऑफ एक्स वाई वन, सेकेंड पॉइंट कौन सा है, 1.2.1 और 3.6.1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो 2 है वो बता दें क्या होगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये मेरे पास बच गया एक्स वाई वन, 1.2.1 3.6.1 इज 0। अब इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सॉल्व कैसे करना है इसको, प्लस पहले ये पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। तीन तीन वाई को सॉल्व कैसे करते हैं, वैसे ये एक्स बार आ गया तो रो और कॉलम से लगेगी 3.2.1 6.1 माइनस का वाई रो, इसके साथ भी ऐसे ही रो कॉलम कितना है मेरे पास 1.1 3.1 प्लस का 1 रो कॉलम से लगेगा कितना बचे मेरे पास 1 2 3 और 6 इज इक्वल टू क्या मेरे पास 0 है। तो यहाँ अगर कर रहे हैं तो ये 1 ये 2 मतलब ये x बाहर है 2 माइनस 6 माइनस का y 1 माइनस 3 और यहाँ पर क्या हो रहा है प्लस 1 1 6 का 6 माइनस 3 2 का 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 माइनस 6 कितना हो गया -4x, ये हो गया 1 माइनस 3 -2 प्लस 2y इज इक्वल टू 0। यानी कि अगर वैसे यहाँ देखते हैं, ठीक है, यहाँ क्या है मेरे पास -4x + 2y इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे पास बन रहा है -4x = 2y, -2y कट गया तो ये हो गया 2x = y, 2 की टेबल कट कर देंगे तो ये होगी इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। क्या किया, तीन दो पॉइंट थे उसके ऊपर एक पॉइंट लिया xy, तीनों पॉइंट क्या बना रहे हैं मेरे पास।